नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट और बहुत दिनों के बाद इस मैटर पे एक ग्रुप डी का जो हमारा मैटर था आप लोगों का, जिसमें इतने सारे बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चे, जिसमें कि 20,734 बच्चे सीट्स जो है उन लोगों के लिए रिजर्व थी, जिसको लेकर के हम लोग लिटिगेशन कर रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में। इसमें लास्ट जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई थी उसमें, दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि हाई कोर्ट में जो पिटीशन आई थी वो कैट के बेसिस पे आई थी। देखो, कोई भी चीज़ जो कैट, शुरुआत जिस तरीके से होती है एंड भी उसी तरीके से होती है, उसी चीज़ से, उसी इशू से। तो यहाँ पे कैट में जो मैटर फाइल हुआ था, वहाँ पे लोगों ने, आप लोगों की डिमांड ये थी कि आप लोगों को भी उसी कैटेगरी में, मतलब मॉडिफिकेशन लिंक आपको अलाउ किया जाए, ताकि आप लोग भी उस कैटेगरी में उस फॉर्म की अवेलेबिलिटी को यूज़ कर पाए, जिस पे कि कैट ने कह दिया कि एग्ज़ाम होने के बाद देखा जाएगा, एट दिस मोमेंट वी आर डिसमिसिंग इट। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी क्योंकि चेंज तो कर नहीं सकते हैं तो वही चीज़ रहेगी। हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं दिस इज द ट्रू सेंस, देयर इज नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और हाई कोर्ट ने फिर भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए रेलवे को बोला कि रेलवे इसको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्लेस बिफोर देम इन दिस थ्रू दिस पिटिशन, इसको डिसाइड करे कि आपके पास जब इतनी सीट वैकेंट बच रही है, जब लोगों की फॉर्म ही नहीं भरे पर भरे फिल हुए इतने सारे एप्लीकेशन वैकेंसीज में, तो आप ये काम मॉडिफिकेशन लिंक करके इन लोगों को अलाउ करो ये फॉर्म भरने के लिए। ये चीज बोला, 4 वीक्स का टाइम दिया गया था, लेकिन अब दिसंबर कंप्लीट हो गया, 4 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक्शन होता तो आप ही के फेवर में होता, क्योंकि सिवाय इसके कि मॉडिफिकेशन लिंक को अलाउ करने के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनकी सीट्स वैकेंट थी, इनको सीट भरनी थी, और वो सीट भरने का एक ही तरीका था कि उन बच्चों को अलाउ कर दो, फॉर्म भर जाएंगे तो सीट्स भर जाएंगे। इन्होंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरा ऑप्शन कर नहीं सकते थे और मजबूरी में यही करना पड़ता। हम लोगों ने जा करके अभी दिसंबर में कंटेम्प्ट पिटीशन डाली कि आप लोग कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का रेलवे ने निरादर किया है, नहीं माना है उसको, तो कंटेम्प्ट पिटीशन में उस दिन 7 बज के लास्ट वर्किंग डे था हाई कोर्ट का 23 दिसंबर को, 2-3 लोग भी आए हुए थे बहुत जगह से, राजस्थान वगैरह से। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट इश्यू नोटिस किया रेलवे को और यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप लोगों ने जो किया है कंटेम्प्ट, निरादर किया है हमारे ऑर्डर को, उसके लिए आपको कंटेम्प्ट जारी कर रहे हैं, अब आप जवाब दो कि आपने 4 वीक्स में क्यों नहीं किया, और अब क्या करने वाले हो, अब क्यों नहीं करने वाले हो, ये सारा जवाब उनको मांगा है। फिर रिक्वेस्ट और करी तो 25 जनवरी की हमें डेट मिली है, शॉर्टेस्ट डेट, अदरवाइज तो अप्रैल मई की ही मिलती है सबको, तो हमें ये चीज़ बोला। बहुत सारे जजमेंट्स रेफर किए कि कोई किसी की लाइफ या किसी के जो लिबर्टी है, मतलब बिना किसी लाइवलीहुड के ज़िंदगी बेकार है, दिस जजमेंट वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट। उस पर भी कोर्ट ने बोला कि सर ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आप चीज़ कह रहे हैं कि दूसरा वाला की सीट हमारी कन्वर्ट ना किए जाए रिजल्ट होने के बाद, तो वो एक मैटर डिफरेंट है, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन में तो हम ये कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट हमने जारी कर दिया, अब इस पर ये लोग जवाब देंगे और क्यों नहीं देंगे, क्यों करेंगे, उस पर बहस होगी। लेकिन अगर आप दोबारा से इसमें आर्गूमेंट चाहते हैं, दोबारा से आप नए फ्रेश तरीके से चाहते हैं, आपको फ्रेश पिटिशन फाइल करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जो कैट में आप लोग गए थे उसका एक था कि रास्ता आप गलत गए थे, मतलब गलत रास्ते से आप लोग चले गए थे। इसका सही रास्ता ये था कि जो रास्ते में बैरिकेड था रूल 12.2 का, वो रूल 12.2 सबसे पहले आपको हटाना चाहिए था, क्योंकि लॉ में होता है कि जब आप लॉ को चैलेंज करते हो प्रोविज़न को कि क्या गलत है एक्चुअली, तो गलत ये था कि ये प्रोविज़न गलत था, और उस प्रोविज़न गलत था जो रूल 12.2, जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्यों रूल 12.2 क्यों 12 अप्रैल 2019 था, तो इसको चैलेंज आपको करना चाहिए था। तब जज वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था कि रिजल्ट आने दो और नहीं आने दो, क्योंकि तो हम लोग उस समय ये मांग कर रहे थे कि इनको दिया तो हमें भी बेनिफिट दो, हम लोग ये नहीं बोल रहे थे, हम लोग को यही बोलना था, लेकिन हमें किस तरीके से बोलना था
ये बोलना था कि ये जो रूल है ये रूल गलत है, इस रूल से इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग इससे दूर भेजे जा रहे हैं, हम लोग को मना हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए रूल चैलेंज होना चाहिए था। करो कंटिन्यू। इसीलिए रूल जो है ये गलत है, और वो रूल पे जब चैलेंज होता ना, और रूल जब साइड साइड हो जाएगा, समझो कि हाईवे से बैरिकेड हट जाने के बाद आप लोगों का पूरा रास्ता ग्रीन सिग्नल है, आप लोग फिर जब जो है बच्चे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जितने भी आर्गुमेंट्स आज तक मेरे दिल में जो रह गए हैं, उसको सही जगह नहीं मिली बहस करने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हमने वही बहस किया जो कैट में करना था, जो सुप्रीम कोर्ट में किया वही कैट में करना था, तो मेरे पास ऑप्शन मिल नहीं पाया। अब एक फ्रेश पिटीशन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फाइल करें, हमने तैयार भी कर ली है, उसको तैयार करने की स्टेज पे हैं, जिसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे कैट से कि आपने जो बोला था रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आ गया है, अब आप बेनिफिट कीजिए, बिकॉज सीट्स खाली हैं, और इस सीट्स का कैसे फिलफिलमेंट किया जाएगा, लोगों की ज़रूरत है, हमने कोर्स किया हुआ है, ये है सारी चीज़ें, वैकेंसीज आउट थी, तो इन सबको अपॉइंट किया जाए, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो ज़रूरी है कि उसके लिए रूल 12.2 चैलेंज होगा। अब इसके बहुत बेसिस हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लो, जुडिशरी आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, उसमें क्या होता है कि लास्ट जो इंटरव्यू का डेट होता है उस समय अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एलिजिबल किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें भी हम प्रेस करेंगे कैट में कि हमारी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे होगा, जो 12.2 के लास्ट लाइन में लिखा गया है, उस दिन हमारे सर्टिफिकेट को माना जाएगा और उस दिन से हमें बेनिफिट मिला जाएगा, और यही ग्राउंड लेकर के कैट दिल्ली में मूव कर रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक परेशान थे आप लोग उस चीज़ को भूल जाओ, न्यू ईयर बिगिनिंग हो गया, नया लाइफ, न्यू एनर्जी और नया पिटीशन, आप लोग को इस बार जरूर रिलीफ मिलेगा, मेरी बात आप समझो, क्योंकि आप लोग शुरू से किसी भी स्टेज पे गलत नहीं थे, लेकिन सिर्फ टेक्निकलिटी के बेस पे हो गया।